अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। ये व्लॉग मेरी बहन उरूबा की शादी की है। मैं उसकी हल्दी और मेहंदी जो कि एक ही दिन था उसमें नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आप सबके लिए अरेंज किए ताकि मैं इसे व्लॉग में डाल सकूँ और आप देख सकें। और जैसा कि आप सुन सकती हैं, आज भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आई एम रियली बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है और मुझे काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा है। उरूबा की दोनों हल्दी और मेहंदी दोनों का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था ड्रेस का। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, मैं हल्दी और मेहंदी में नहीं जा पाई थी इसलिए ज़्यादा फ़ोटोज़ मैं नहीं शेयर कर पाई। और ये देखिए दूसरे दिन की ये फ़ोटोज़ है, जो वीडियो भी है इसमें, जो कि होटल का है। और अब धीरे धीरे गेस्ट पहुंचना शुरू हो गए थे होटल्स में। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, बट क्योंकि मुझे ये वीडियो काफ़ी टाइम हो गया और इसे अपलोड करना है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सब तक ये जल्द से जल्द वीडियो पहुंचा सकूँ एडिट करके। ये लड़की वाले की तरफ से लोग हैं जो सब तैयार हो चुके हैं। बारात बस आने वाली थी और जैसे ही बारात आएगी फिर निकाह होगा और बाकी की रस्में होंगी। मुस्लिम शादीज़ में पहले लड़की के पास लोग मौलाना जो होते हैं वो आते हैं और फिर वो लड़की से उनसे परमिशन लेते हैं कि आपका निकाह सो एंड सो के साथ होने जा रहा है, और उसके बाद फिर वो लड़के के पास जाते हैं जहाँ पे फिर वो फॉर्मली कबूल है मोमेंट होता है। जब तक उधर अभी निकाह की तैयारियाँ हो रही थी, इधर स्नैक्स वगैरह चल रहे थे और जो स्नैक्स था वो भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि मैंने जो खाया वो था फ्रेंच फ्राइज और जो चिकन कबाब थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। फाइनली निकाह का मोमेंट आ गया है और लड़की से इजाज़त लेके आके ये लोग अब निकाह पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर में निकाह हो जाएगा। ये लड़के वालों की तरफ से जो लड़की के लिए गिफ्ट्स आए थे उनके घर से, वो है जिसे डाला कहा जाता है, और ये सारा सामान लड़के वालों के यहाँ से आया है लड़की के लिए और लड़की के घर वालों के लिए। डाला को छुपा के लाया जाता है रेड कपड़े में। अभी इनके ऊपर से कपड़ा हटाया जाएगा और अब देखिए ये सैंडल्स थी, ये पर्स था और भी बहुत सारे ये सूट्स हैं, साड़ियाँ हैं जो डाले पे आई थी लड़की के लिए। ये जो डाला आता है इसे वहीं पे स्टेज पे सजा के रखा जाता है ताकि सभी लोग इसे देख लें। निकाह हो चुका था और अब जो लोग आए हुए थे उन सबको डिनर के लिए कहा जा रहा था ताकि जब जैसे ही डिनर फिनिश हो जाए तो बाकी जो रस्में थी वो हो जाती, और उसके बाद फिर क्योंकि रुखसती रात ही में होनी थी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ करवाया जा रहा था। काफ़ी अच्छा था, लोगों को पसंद आया, खाने का टेस्ट भी काफ़ी सही था। जो बाकर खानी रोटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, और बाकी सारे खाने भी बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत एंजॉय किया और सबको खाना काफ़ी पसंद आया था। निकाह के बाद उरूबा स्टेज पे आ गई थी और अब बाकी की रस्में होनी थी, तो दूल्हे का इंतज़ार हो रहा था कि अब दूल्हा खाना खा के आने वाले थे वो भी स्टेज पे। और
और माशाल्लाह अरुबा बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब रस्में शुरू होनी थी क्योंकि दूल्हा पहले ही स्टेज पे आ चुके थे, इसलिए वापस उन्हें दरवाजे के पास ले जाया जा रहा था ताकि वहाँ पे जो लड़के थे वो द्वार शिकाई की रस्म कर सके। और ये देखिए यहाँ पे लड़कों ने दरवाज़ा छेका हुआ है और उसके बदले उन्हें अंदर आने देने के बदले वो उनसे नेक मांग रहे थे। और जब तक उधर नेगोशिएशन चल रही थी, पैसों की लेन देन की बातें चल रही थी, इधर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कैसे कूद रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं वो। आफ्टर नेगोशिएशन दूल्हा यहाँ पे आ चुके थे और जूता छुपाई की रस्म भी हो चुकी थी, बट मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई। और ये देखिए दुल्हन भी स्टेज पे आ रही है अपने बहनों और भाभियों के साथ। अब वो फाइनल मोमेंट आने वाला है जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखेंगे। और दूल्हा इधर स्टेज तक आए थे अपने दुल्हन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर ले जाने के लिए, बट जो फोटोग्राफर थे उन्हें परफेक्ट फ़ोटो के लिए पोज चाहिए थी, तो वो बार बार उन्हें परफेक्ट पोज देने के लिए बार बार रोक रहे थे। और चलिए फाइनली उन्हें वो पोज मिल गया और फिर दूल्हा दुल्हन स्टेज तक पहुंच ही गए। और ये है संदल जिससे मांग भरी जाती है। और यहाँ देखिए दूल्हा अपनी अंगूठी में संदल लेकर और दुल्हन की मांग में भर रहे हैं। 3 से 5 मर्तबा ये किया जाता है। बाद अब दुल्हन को दूल्हा जो अपनी तरफ से उसके लिए मुंह दिखाई लाए थे वो दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी अंगूठी थी। और जब दूल्हे ने दुल्हन का मुंह देखा तो उसने उन्हें सलाम किया। और बस अब अंगूठी पहना रहे हैं वो उसके हाथों में। ये है इमाम जामिन जो दूल्हे दुल्हन को बांधा जाता है उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें दुनिया की हर खुशी अता फरमाए। ये
ये हैं हमारे प्यारे भैया और भाभी, ये कुवैत से आए हैं। इनका नाम है मीनू भैया। पे लड़के और लड़की वालों के बीच में फूलों की बौछार हो रही थी, आपस में लोग फूल एक दूसरे पर फेंक रहे थे। सारी रस्में होने के बाद अब फोटो सेशन की बारी थी और सभी रिलेटिव चाहते थे कि उनकी फ़ोटो हो दूल्हा दुल्हन के साथ, तो वो चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले, सभी फ़ोटो सेशन कराने में मशगूल थे और सभी फ़ोटो सेशन करा रहे थे। और लीजिए अब आ गई थी रुखसती की बारी। सभी घर वाले इमोशनल हो रहे थे बट फिर भी लोगों ने माहौल को हल्का फुल्का रखा हुआ था और हंसने हंसाने की कोशिश हो रही थी, बट पेरेंट्स तो ऑब्वियसली वो थोड़े इमोशनल हो गए थे और दुल्हन भी इमोशनल हो गई थी। अपना सब कुछ छोड़कर जाना और एक नए घर में अपना सब कुछ बसाना लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि उरूबा के साथ साथ और जितनी भी लड़कियों की शादी है सबकी ज़िंदगी खुशगवार हो और खुशियों से भरी हो। चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।